गाइस ये हम जज़ान के कॉलेज से होते हुए जज़ान के पोर्ट पर जा रहे हैं फरसान आइलैंड जाने के लिए। आइलैंड यहाँ से 2 आवर्स की डिस्टेंस पर है। हम लोग पहले फेरी लेंगे, फेरी से हम लोग फरसान आइलैंड जाएंगे। जज़ान पोर्ट पे पहुँचने के बाद, चेकिंग कराने के बाद मैं क्रूज़ के पास आ गई हूँ और मैं वहाँ शूट नहीं कर पाई क्योंकि मोबाइल अलाउड नहीं था। तो अब हम लोग अपनी गाड़ी जो है वो क्रूज़ के अंदर लेकर जा रहे हैं। नीचे जो है वो गाड़ियाँ रहेंगी और ऊपर जो है वो सिटिंग अरेंजमेंट है, वहाँ सब लोग बैठेंगे और गाड़ियाँ जो हैं वो नीचे रहेंगी। सो गाइस अब मैं जो हूँ वो क्रूज़ के सिटिंग एरिया में आ चुकी हूँ और ये कुछ इस तरह से दिखता है। سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده اللهم أنت الصاحب في सो गाइज़ अब हम लोग जो है वो फरसान आइलैंड के पोर्ट पर पहुंच चुके हैं। अब हम अपनी कार जो है वो क्रूज़ से नीचे उतारेंगे। ये देख सकते हैं आप, हम क्रूज़ से अपनी कार नीचे उतार रहे हैं और फिर इसके बाद चेकिंग होगी। गाइज नाउ वी आर रेडी टू एक्सप्लोर द फरसान आइलैंड। देखते हैं फरसान आइलैंड पे कौन कौन से बीचेस हैं, क्या क्या टूरिस्ट अट्रैक्शन हैं। चलिए गाइज आगे मैं आपको दिखाती हूँ कि हम लोगों ने सबसे पहले कौन सा बीच विज़िट किया, उस बीच पर हम लोगों ने क्या क्या फ़न किया। मैं आपको दिखाती हूँ आगे वीडियोज़ में। हम लोग सबसे पहले फरसान आइलैंड के जनाबा बीच पर गए। जनाबा आइलैंड पर पहुंचने के बाद मिया इज फीडिंग द बर्ड्स, हादी इज एंजॉयिंग। बर्ड्स को फीड कराने के बाद एंड स्विमिंग के बाद हम लोगों ने अपना लंच किया सनसेट के व्यू के साथ। एक्चुअली हम लोग थोड़ा लेट हो चुके थे लंच के लिए, बट हमने बहुत ज़्यादा मज़ा किया बीच पर सनसेट के व्यू के साथ लंच। अल्हासा विज़िट करने के बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग बर्गर खाएंगे एंड हम लोगों ने हैम बर्गर से बर्गर खाया एंड ये बर्गर बहुत ही क्रंची, फ्लफी एंड जूसी था। बाद हम लोगों ने बास्किन रॉबिन से आइसक्रीम ली। स्टे गाइस हमने बीच अल मरजान विज़िट किया, ये बीच भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था। यहाँ हमने सनसेट का व्यू देखा, वो व्यू बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था। ये आप आगे वीडियो में देख सकते हैं सनसेट का व्यू। और गाइज ये था हमारा फरसान आइलैंड का शॉर्ट व्लॉग और मैं इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ।